नमस्कार साथियों, आइए फिर से क्लास शुरू करते हैं। बढ़िया ही हो गए, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे क्लासेस को, तो एक तो अपने कमेंट्स कर दिया करें। अच्छा, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कुछ अजीब चीज़ों को लेके, अभी थोड़ा वेट कीजिए, सारी परिस्थितियाँ आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अभी मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। अभी पॉइंट क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी दो क्लासेस में हमने बेसिक बेसिक चीज़ें सीखी। देखो, मैंने देखा कि ज़्यादातर जहाँ भी मैंने पढ़ाया, ज़्यादातर बच्चों को ना बेसिक बड़ा ख़राब है। एक्चुअली अंग्रेजी जो समस्या है ना, है ही बेस की, और कोई समस्या ही नहीं है। जिसका फंडामेंटल चीजें क्लियर है, बेसिक क्लियर है, उसे कोई समस्या नहीं है। हम टीचर्स का क्या हुआ, बेस क्लियर हो गया, बात खत्म हो गई। तो फंडामेंटल चीजों पे काम नहीं कर रहे हम लोग कई बार। तो हम अब जो पढ़ेंगे यहाँ से, मैं बता के चल रहा हूँ, जो मैंने ये सीरीज शुरू की है, ये एक्चुअली है ही फंडामेंटल चीजों के लिए। इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे, पूरे चैप्टर को ढंग से पढ़ें। चाहे क्लास एक फालतू लग जाए, कोई सरदर्दी नहीं है, कोई आपसे यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जा रहा, नॉर्मल क्लास चल रही है यहाँ पे। तो अभी क्या है कि बेसिक बेसिक चीजें समझिए। कल भी हमने क्या डिस्कस किया था, कल की क्लास जाके देखना, सेकंड लेक्चर जो था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचान होगी कैसे। वहां एक सब्जेक्ट होगा, उसके साथ में सेंटेंस में वर्ब होगी, वर्ब की फॉर्म्स होंगी, फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। फर्स्ट फॉर्म हमेशा दो तरह की बताई थी, एस वाली बिना एस वाली। सेकेंड फॉर्म आ जाएगी तो पास्ट में चला जाएगा, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो वो फ्यूचर में चला जाएगा। आज डिस्कस करते हैं इससे अगले स्टेप पर। ठीक है, देखिए, अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, नॉर्मली अगर हम प्रेजेंट की ही बात आपसे कर रहे हैं, तो प्रेजेंट की बात के लिए बड़ा सिंपल सा पॉइंट होता है, ध्यान से देखना कि मैंने क्या कहा था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, क्लियर है ना। और सब्जेक्ट के साथ में क्या बताया था भाई, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और ये बिल्कुल जिस तरह से ऑफलाइन पढ़े ऑनलाइन पढ़े, बिल्कुल सेम मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन की तरह। ये नहीं कि भागना है या फिर चीज़ों को ज़्यादा खामाखा खींचना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्मल वे में पढ़ते रहे वैसे पढ़िए आप इसे। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, एक चीज़ मैंने कल बताई थी, हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तुम्हें सेंटेंस में एसी या ईएसडी मिले। इसका पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ कल की क्लास के अंदर। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, नेगेटिव बना दोगे डूडस बन जाएगा, ये मैं कल बता चुका। लेकिन इससे अलग भी आपके कई सेंटेंसेस होते हैं, बड़े ध्यान से समझना उसको। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, शेखर, एक लड़के का नाम मैंने लिया शेखर, और शेखर के साथ मैंने एक वर्ब लिख दी इज। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि देखो इज एम आर जब आता है सेंटेंस में, वो कभी पूछ के भी देखते हैं ना क्लास में, जैसे हमने पूछा भी बच्चे से कि बेटा इज एम आर के साथ क्या आता है। तो देखो, जब भी बच्चे से पूछे, कभी भी पूछना आप 9th 10th 11th 12th के किसी बच्चे से, या मैंने तो कई बार कॉम्पिटिशन वालों को भी गलती करके देखा है कि उनसे पूछो बेटा इज एम आर के साथ क्या आता है। यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के साथ क्या आ गया, इज एम आर आ गया। और अगर हम पूछे कि बताओ अब इज एम आर के बाद क्या आता है, तो ज्यादातर जो बच्चे होते हैं ना, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये बड़े बेचारे भोले भाले से रहते हैं, ये तुरंत बोल देते हैं कि वर्ब में आईएनजी आता है, इन्हें रटा दिया गया कि बेटा इज एम आर अगर आ गया तो क्या बन जाएगा, आईएनजी आ जाएगा। या एक और चीज मैं बताता हूं, अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि बेटा सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब लिखी हैज या हैव, क्या लिखा हैज या हैव, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। क्या पूछा है कि अगर सब्जेक्ट के साथ क्या लिखी है, वर्ब, कौन सी वर्ब, हैज या हैव, तो तुरंत बच्चा तुरंत बताएगा। पूछ के देखना, आज ही ट्राई करना चाहे तो सब, कि बताओ हैज हैव के बाद क्या आता है, तो तुरंत बच्चे के मुंह से निकलता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब क्या है, देखो पॉइंट क्या पढ़ लिया बच्चे ने, क्या पॉइंट रट लिया कि सब्जेक्ट के साथ अगर इज एम आर आ गया तो क्या आता है, आईएनजी। सब्जेक्ट के साथ अगर हैज हैव आ गया तो क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और रटे घूम रहे हैं इसको। एक्चुअली अगर यही चीजें आती हैं तो मैं एक छोटा सेंटेंस देता हूं आपको। मैंने एक सेंटेंस बोला आई एम, अब देखो एम आ गया तो एम के साथ क्या पढ़ रखा हमने, आई एन जी। तो नेचुरल सी बात है, जब मैंने आई एम बोला है तो मैं तो आई एन जी लिखूंगा लिखूंगा ना। लेकिन मैंने एक सेंटेंस लिख दिया आई एम ए डॉक्टर, मैंने सेंटेंस लिख दिया आई एम ए डॉक्टर। अब मुझे बताओ जरा भाई, इसमें एम के बाद कहां है आई एन जी, नहीं है ना, तो फिर सेंटेंस गलत हो गया। अब ये सेंटेंस गलत भी नहीं है और इस सेंटेंस में आईएनजी भी नहीं है, तो वो थ्योरी आप पढ़ क्यों रहे हो कि इजेमार के साथ आईएनजी आते हैं। रटिए मत, भाषा को समझने की कोशिश करो। इजेमार के साथ बच्चों सिर्फ आईएनजी नहीं आता है, ये बड़ा खेल है। जैसे एक सेंटेंस समझो,
अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि शी इज, अब जिसको थोड़ा सा ज्ञान कम है, थोड़ा सा नॉलेज कम है, तो तुरंत कहेगा आईएनजी आना चाहिए, लेकिन मैंने बोल दिया शी इज इंटेलिजेंट. क्या बोला है? शी इज इंटेलिजेंट. अब इस सेंटेंस में तो कहीं जमर के साथ आईएनजी नहीं है ना, समझ गए मैं क्या कहता हूं. एक और देखो, अगर मैंने सेंटेंस बोला आई हैव, तो होता क्या है कि हैव के साथ बच्चों को क्या लगता है, हैव के साथ आती है थर्ड फॉर्म. अब अगर मैं सेंटेंस बोल दूं आई हैव ए कार, तो फिर ये सेंटेंस गलत है उसकी भाषा पे. अब बच्चा कहेगा नहीं सेंटेंस तो ठीक है, हैव के साथ क्या लिखा है, कार लिखा है, पढ़ क्या रखा है हैव के साथ. देखो ध्यान से, थ्योरी में क्या पढ़ रखा हैव के साथ थर्ड फॉर्म, इजमार के साथ क्या पढ़ रखा है आईएनजी. तो हमारी थ्योरी और हमारी प्रैक्टिकल चीजें अलग है. हमने प्रैक्टिकली ये सेंटेंस देखे हैं, शी इज अ रिच मैन, सॉरी शी इज अ रिच वुमन, ही इज ए गुड डॉक्टर. प्रैक्टिकली तो हमने ये सेंटेंसेस देखे, और थियोरिटिकल हमने क्या पढ़ा है, इज एम आर के साथ आई एन जी. तो हमारी थ्योरी और हमारे बेसिक चीजें वो कभी मैच ही नहीं हो पाती. तो ऐसे में करना क्या है, या तो थ्योरी को फिर छोड़ दो, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए कैसे कैसे आता है, और अगर थ्योरी समझनी है तो फिर इसको कंप्लीट ढंग से समझिए. तो मैं आज उसी पॉइंट को समझा रहा हूं कि एग्जैक्टली हम इस चीज को कैसे समझें. तो समझो इस पॉइंट को. देखो पहली बात तो दिमाग से निकाल के फेंक देना कि इज एम आर के साथ सिर्फ आई एन जी आता है या हैज़ के साथ सिर्फ थर्ड फॉर्म आती है. एक्चुअली ऐसा नहीं है, इज एम आर के साथ सिर्फ आई एन जी नहीं होता है और हैज़ के साथ में सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती है. तो इसके बेसिक को थोड़ा समझिए, आखिर होता क्या है. देखो मैं आपको बताता हूं एक चीज, अगर सेंटेंस में कभी इज एम आर आ जाए, यानी कि बड़े ध्यान से देखना, सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हुआ है और ये आज का ही बेसिक रहेगा, इसके बाद में फिर इंडेफिनिट टेंस की प्रॉब्लम क्या क्या रहेंगी, एरर्स क्या आएंगी, उन पे चला जाऊंगा. फिलहाल समझ लेना ध्यान से, मान लीजिए सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, इज एम आर. और देखो बच्चों मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, अभी भी अगर आपको टेंसेस समझ में नहीं आए तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर कॉम्पिटिशन में फिर तुम्हें कोई ना कोई पिछाड़ ही देगा. सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, कल तक बता दिया मैंने आपको. सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का मैं आज जिक्र करूंगा. प्रेजेंट की बात चल रही है तो नेचुरल से बताओ वाजवर तो बोलेंगे नहीं, अगर प्रेजेंट की बात चल रही है तो मालूम रखो बात को. वाजवर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पास्ट. इज एम आर रहेगा तो क्या रहेगा, प्रेजेंट. तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लिखा हुआ है तो इज एम आर के साथ में एक्चुअली चार बातें आती है, और ये मैं बार बार हर बैच में समझाता हूँ बच्चों को, तो लेकिन कई बार बच्चे जो ना इनमें लापरवाही से समझ लेता है, कुछ बच्चे बहुत, ज्यादातर बच्चे बहुत आसानी से समझ लेते हैं, कुछ बच्चे लापरवाही कर जाते हैं. तो वो अगर लापरवाही किए हैं तो थोड़ा ध्यान से समझो चीजों को, लापरवाही नहीं करनी चाहिए हर जगह. इज एम आर के साथ सिर्फ चार बातें आती हैं, ध्यान रखना कौन कौन सी बातें आती हैं, इसी मार्कर से लिख देता हूं. देखिए, या तो इज एम आर के साथ सेंटेंस में जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या आता है, आई एन जी. ठीक है, अच्छा ये जो कॉम्बिनेशन है, देखो इज एम आर से क्या बनता है, प्रेजेंट. इज एम आर से क्या बन गया, प्रेजेंट बन गया, और साथ में क्या लिखा है, आई एन जी. एक्चुअली अगर इज एम आर के साथ सेंटेंस में आई एन जी लिखा मिल जाए तो ये आई एन जी सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस बना देगी. ये सुना होगा आप लोगों ने कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, आई एन जी आता है. तो कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए देखो दो चीजें जरूरी हैं. अगर मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है बच्चों, तो उस स्ट्रक्चर में इज एम आर भी होना चाहिए, वाजवर पास्ट बना देगा, पास्ट की बात बाद में कर लेना, इज एम आर होना चाहिए और उस इज एम आर के साथ क्या होना चाहिए, आई एन जी होना चाहिए. तो अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन है तो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी अगर आई एन जी है तो क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस. इज एम आर है तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट. यहां इत्तेफाक से मान लो वाजवर हुआ तो वाजवर से क्या बना, पास्ट, और आईएनजी से क्या बना, कॉन्टिन्यूअस. तो ये कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस. अभी इज एमआर से क्या बना, प्रेजेंट. आईएनजी से क्या बना, कॉन्टिन्यूअस. तो कॉम्बिनेशन क्या बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. यहां तक की बात तो हमें मालूम है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है. पर अगर सेंटेंस में इज एमआर दिया हो पर उसके साथ में आईएनजी ना दी हुई हो तो खेल खराब हो जाएगा इस कॉन्टिन्यूअस का. यानी क्या क्या चीजें दे सकता है उसका डिस्कस करते हैं. देखो ध्यान से, हो सकता है इज एम आर के साथ आई एन जी हो ही ना, वर्ब हो लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म लिखी हो. अच्छा फॉर्म मैंने कल बताई थी, किसी वर्ब की चार फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और
ing forms. तो यहां पे हमने क्या लिखा, इजमार के साथ क्या लिखा, ing, तो क्या बना, continuous. पर यहां क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म आ सकता है. अब इसे भूलकर भी तुम कॉन्टिन्यूअस मत कह देना. जैसे एग्जाम्पल समझिए एक बार, अगर मैंने सेंटेंस बोला आई एम गोइंग टू दिल्ली, अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा उससे जरूरी है इस सेंटेंस को थोड़ा समझो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. यहां सब्जेक्ट कौन है, आई, ये मार्कर तुम्हें शायद कम दिखेगा. यहां लिखा है एम, एम से क्या बना, प्रेजेंट. और ये लिखा है आई एन जी, इस आई एन जी से क्या बना, कॉन्टिन्यूअस. उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा यहां तक तो. लेकिन अगर ऐसा ही एक सेंटेंस लिख दिया जाए, ध्यान से देखना एक सेंटेंस को, एक सेंटेंस लिखा जाए आई एम, चलो नोट को रहने देते हैं अभी, कभी आप सोचो नेगेटिव आ गया सेंटेंस ये, आई एम ट्रीटेड वेल, आई एम ट्रीटेड वेल, इतना ही छोड़ दिया मैंने सेंटेंस को, आई एम ट्रीटेड वेल. अब ध्यान से देखो इसमें कौन लिखा है, एम, एम से सेंटेंस क्या बनता है, प्रेजेंट. क्लियर है, प्रेजेंट बन गया. अब यहां पे और यहां पे फर्क समझने की कोशिश करो. देखो जिनका बेसिक कमजोर है बहुत ध्यान से एक बात समझनी है, नेचुरल सी बात है एम प्रेजेंट है, एम यहां भी प्रेजेंट है. अब इसमें एम के बाद क्या लिखा है, आई एन जी, तो एम से क्या बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. लेकिन इस सेंटेंस को देखना, यहां भी एम है और यहां आई एन जी है क्या. अब ध्यान से देखो, एम के बाद आई एन जी दिख रही है ना, तो कॉन्टिन्यूअस. यहां एम के बाद आई एन जी है, नहीं है ना. तो जब तक सेंटेंस में इज एम आर के साथ आई एन जी है तब तक वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है. और जैसे ही इज एम आर के साथ तुम्हारी आई एन जी गायब हुई, उसका कॉन्टिन्यूअस भी गायब हो जाएगा. प्रेजेंट तो रहेगा लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा. इतना बोलो समझ में आ गया तो मुझे कमेंट कर देना, हाँ सर समझ में आ चुका. इज एम आर के साथ आई एन जी है तो क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूअस. आई एन जी नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है. फिर ये है क्या, वो समझना पड़ेगा. तो देखो, अगर सेंटेंस में इज एम आर के साथ आई एन जी नहीं दी हुई है तो फिर उसका जो टेंस होता है वो इनडेफिनेट ही काउंट होता है. बड़ा सिंपल सा पॉइंट है वाला, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट में जाएगा ना कि परफेक्ट में. और वही पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, एक इज एम आर के साथ अगर किसी बच्चे को, जैसे छोटा बच्चा है, देखो मैं आपको बताता हूँ, एजुकेशन का नाश बच्चा नहीं करता, एजुकेशन का नाश करते हैं, सत्यानाश करते हैं उसके टीचर्स. एक्चुअली टीचर्स जो पढ़ा देंगे वही कंसेप्ट बच्चा आगे लेके घूमता रहेगा. अगर किसी बच्चे को पढ़ा दिया इज एम आर के साथ हमेशा आई एन जी आता है, तो उसको बेचारे की जिंदगी आधी गुजर जाएगी इसी पॉइंट को याद करते करते. और जब कॉम्पिटिशन में वो पहुंचेगा तो पता चलेगा ऐसा था ही नहीं, इज एम आर के साथ तो आई एन जी से अलग भी बहुत सारी चीजें आती हैं. और जबकि मैं याद करता फिर रहा हूँ इज एम आर के साथ आई एन जी, यहाँ कुछ ना कुछ और आ रहा है. तो सीखने की उम्र जो 4-5 साल की थी, 10 साल तक की थी, वहां कुछ अलग सिखा दिया, और जब वो परिपक्व माइंड हो गया तो उसे फिर चीजें समझ में नहीं आ रही. दोष किसको जाता है, बच्चा खुद टेंशन लेके बैठ जाएगा, पेरेंट्स बच्चे को थोपते रहेंगे. तो जबकि प्रॉब्लम बच्चे की नहीं है, प्रॉब्लम है उन टीचर्स की जो कंसेप्ट को पूरा क्लियर नहीं करते हैं. तो पॉइंट यहाँ पे वही है, इज एम आर के साथ क्या आता है, आई एन जी आता है, नो डाउट आता है, पर हमेशा नहीं आता है. आई एन जी के अलावा भी 3 चीजें और आ सकती हैं. क्या क्या आ सकती है उसको समझिए. एक तो आ सकता है सेंटेंस में थर्ड फॉर्म, एक ऐसा भी हो सकता है वर्ब हो ही ना इज एम आर के साथ, ऐसा भी कई बार होता है. हो सकता है सिर्फ क्या लिखा हो, नाउन. बच्चों सिर्फ नाउन भी आ सकता है, इज एम आर के साथ क्या आ सकता है, सिर्फ नाउन भी आ सकता है. ऐसे ही इज एम आर के साथ सेंटेंस में क्या आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है. एक मिनट, इज एम आर के साथ क्या जाता है, एडजेक्टिव भी आ जाता है. क्या जाता है बच्चों, एडजेक्टिव. तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर है वो प्रेजेंट है, और उसके साथ 4 बातें आप लिख सकते हैं. ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, ये आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई डाउट नहीं है. लेकिन ये जो चीज है इज एम आर के साथ, कितनी चीजें, 4 चीजें. इनमें से क्या पहली क्या लिखी है, आई एन जी. इसको तो कैटेगराइज अलग कर दीजिए. इज एम आर के साथ आई एन जी से क्या बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. लेकिन इससे अलग जितनी चीजें हैं, चाहे वो थर्ड फॉर्म है, चाहे वो नाउन है, चाहे वो एडजेक्टिव है, ये सारी चीजें सेंटेंस को लेके जाती हैं इंडेफिनिट की तरफ. कहां लेके जाएंगी, इंडेफिनिट. हालांकि कुछ लोग इसमें एक बात बताते हैं कि ये नाउन और ये है एडजेक्टिव है, तो एक्चुअली ये सिंपल प्रेजेंट है,
तो वो ठीक है जो भी मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअली टेंस चार ही होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में। तो कोई भी सेंटेंस लिख लेना इन चारों में से कुछ जरूर होगा। वो जो आप बोलते हैं ना सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, एक्चुअली वो सिंपल एक अलग कैटेगरी है, लेकिन टेंसेज तीन की चार कैटेगरीज होती है, तो चार ही कैटेगरी में टेंसेज रखे जाएंगे, या तो इंडेफिनिट में या कॉन्टिन्यूस में बच्चों, या परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। बाकी इससे चौथा से अलग आप सेंटेंस को कैटेगराइज नहीं कर पाओगे टेंसेज के थ्रू। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें भी इंडेफिनिट बन जाता है। तो इस एमआर के साथ सेंटेंस में अगर आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूस, आईएनजी नहीं है तो इंडेफिनिट। क्लियर पॉइंट यहां तक? ठीक है, ऐसे अगला स्टेप देखिए। दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूं, एक और पॉइंट समझ लेना ध्यान से। कभी कभी सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। क्या मिलेगा बच्चों? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब मिलेगी हैज या हैव, या तो हैज मिलेगा या हैव मिलेगा। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। अब यहां भी कुछ बातें दिमाग में रटा रखी हैं बचपन से, चौथी पांचवी छठी क्लास से। क्या रटा दिया यहां पे कि अगर तुम्हें कहीं भी हैज हैव दिखाई दे तो बेटा उसके साथ थर्ड फॉर्म आती है। वो बच्चा भोला भाला रटे बैठा है, हैजव के साथ क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। हैजव के साथ क्या आती है, थर्ड फॉर्म क्या आती है। इजेमार के साथ क्या था, आईएनजी आता है। हैजव में क्या था, थर्ड फॉर्म आता है। हंस गया। सिर्फ थर्ड फॉर्म नहीं आती है, थर्ड फॉर्म भी आती है, लेकिन सिर्फ थर्ड फॉर्म नहीं आती है। यानी कि क्या क्या आ सकता है, देखो ध्यान से। इसके बाद सेंटेंस में दो बातें आ सकती है। कितनी भाई? दो। एक तो तुम्हें मालूम ही है कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, ये तो आती आती नेचुरल सी बात आएगी। लेकिन अगर थर्ड फॉर्म ना हुई तो, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला आई हैव, अब हैव के साथ मैंने एक वर्ब लिखी है डन इट। बड़ा सिंपल सा मैंने सेंटेंस दिया है, आई हैव डन इट। इस सेंटेंस को थोड़ा सा समझो, इसमें लिखा हैव, हैव से सेंटेंस क्या बनता है, प्रेजेंट। कंफर्म है प्रेजेंट बनेगा, ठीक है ना। और इसके जब आगे आप निगाह डालोगे ध्यान से यहां पर, तो बहुत ध्यान से देखो हैव के साथ क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म। तो ये जो थर्ड फॉर्म है ये आती है, नेचुरल सी बात आ जाएगी। पर अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं ये वाला कि आई हैव ए मोबाइल फोन, इसे सेल फोन बोल दीजिए, मोबाइल फोन बोल दीजिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे क्या लिखा है, हैव। हैव से क्या बनता है, प्रेजेंट। अब ध्यान से देखो, हैव के साथ आपने एक बात पढ़ी है, हैव के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म आती है। अब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फर्क नजर डालो, यहां पर तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म दी हुई है, यहां पे हैव के साथ थर्ड फॉर्म दी हुई है, नहीं दे रखी है। तो बड़ा सिंपल वे है इसको समझने का, यार ये तो तुमने पढ़ रखा है ना, तो इसको पढ़ लो। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, नेचुरल सी बात है, जब भी हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, हैज के साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस को बनाता है परफेक्ट। क्या बनाता है भाई, परफेक्ट। वो सिंपल वे, यानी हैज हैव से क्या बन जाता है, प्रेजेंट, और थर्ड फॉर्म से क्या बन जाता है, परफेक्ट। तो ये कॉम्बिनेशन काम करेगा, ध्यान रखना। हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो ये प्रेजेंट है, और इससे क्या बन गया आपका, परफेक्ट बन गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। अब मीनिंग क्या निकलेगा, एरर क्या आएगी, वो चीज बहुत बाद की है, उस पर अभी मत जाइए। फिलहाल आपको सेंटेंस को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि सेंटेंस को देख के समझो वो क्या है। तो इसी एक चार्ट से, आज की क्लास से आपको इंडेफिनिट भी समझ में आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस समझ में आ जाएगा, देखना परफेक्ट समझ में आ जाएगा। एरर की बात नहीं कर रहा हूं अभी, एरर जाती है एरर निकाल दोगे आप। अभी आप सिर्फ सेंटेंस को देखना समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस को देखें कैसे, इस सेंटेंस को पढ़ें कैसे। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा तो क्या बनेगा, परफेक्ट। लेकिन अगर थर्ड फॉर्म नहीं आया तो एक और चीज आ सकती है, और उस चीज का, उस बला का नाम है नाउन। इजमार वाजवर के बाद में चार बातें, इजमार के साथ क्या आ सकता है, आईएनजी आ सकता है, वो सबने पढ़ रखा है। आईएनजी आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस। इजमार के साथ क्या आ सकता है, दूसरी चीज थर्ड फॉर्म आ सकती है, तीसरा नाउन आ सकता है, चौथा एडजेक्टिव आ सकता है। तो अगर आईएनजी है तो वो कॉन्टिन्यूस है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी इजमार के साथ है, मान लो ये मेरा हाथ तो इजमार है, ये मेरे हाथ में चार चीजें हैं, ये हाथ ऐसे कर लेता हूँ, ये हाथ इजमार है, इस हाथ में चार चीजें हैं, एक आईएनजी, एक थर्ड फॉर्म, एक नाउन, एक एडजेक्टिव। अब मैं क्या चीज उठाता हूं, वही तो कॉम्बिनेशन है। अगर मैंने इजेमार लिया और साथ में आईएनजी लिया तो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, ये कॉन्टिन्यूस।
अब मैंने इसके साथ में आईएनजी हटा के कुछ भी लिख दिया, ये सारी चीजें इस प्रेजेंट के साथ क्या बनेंगी, इंडेफिनिट। तो यहां वही पॉइंट है, हैज हैव के साथ अगर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म है तो नेचुरल सी बात क्या बना, परफेक्ट। लेकिन अगर थर्ड फॉर्म नहीं है, सिर्फ नाउन है, तो ये भी आपका इंडेफिनिट में ही कैटेगराइज होगा। इसे सिंपल बोल दीजिए, उस बात से मतलब नहीं है, ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट का टेंस कौन सा माना जाएगा, इसका इंडेफिनिट ही माना जाएगा। इसे सिंपल प्रेजेंट कह के इसके साथ खिलवाड़ मत करो। तो यहां पर आप ध्यान से देखो सेंटेंसेस को, क्या बता रहा हूं मैं, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज एम आर के साथ अगर आई एन जी हुआ कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का, लेकिन इज एम आर के साथ अगर आई एन जी नहीं हुआ तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ऐसे ही अगर सेंटेंस में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म हुआ तो प्रेजेंट का परफेक्ट, और अगर हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं हुआ तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट। सिंपल। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बड़े आसानी से आइए, कुछ एग्जांपल्स पे निगाह डालिए एक बार। देखो मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, आपको समझने हैं बस उस एग्जांपल्स सिंपल वे में। मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। पहले सेंटेंस को समझो, देखो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हुआ, आई तो सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ क्या लिखा है, एम, एम से क्या बना प्रेजेंट, नेचुरल सी बात है। अब इससे आगे निगाह डाल के देखो, थोड़ी सी निगाह डालो तो क्या लिखा है, आई एन जी। तो ये जो M के साथ ing है, बड़ा सिंपल वे समझ लेना, क्या बन जाएगा, ये continuous बन जाएगा, यानी आपका टेंस कौन सा हो गया, present continuous। और present continuous में आपने दो बातें बोली मेरे बच्चों, ध्यान रखना, एक present बोला है, एक continuous बोला है, तो present और continuous दोनों मिलाने पड़ेंगे, तब जाके combination बनता है present continuous। ये combination क्या है, present continuous, meaning क्या निकलेगा, इस बात पे हमें नहीं जाना है। बहरहाल एक और सेंटेंस देखो, अब मैं सेंटेंस दे रहा हूं, ध्यान से देखो, अब मैं सेंटेंस लिखता हूं, ही इज ए गुड स्टूडेंट। अब मीनिंग तो आप देखो इसका भी समझ गए हो गए, मीनिंग इसका भी समझ गए हो गए, मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश और वो एक अच्छा विद्यार्थी है, ये तो मीनिंग है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, टेंस पहचानिए, सब्जेक्ट कौन है यहां पे, ही इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, साथ में क्या लिखा है, इज, इज से क्या बना प्रेजेंट। अब मुझे ये बताओ क्या तुम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोल दोगे, आंसर क्या आएगा, नहीं, मतलब ही नहीं उठता, है ही नहीं, क्यों नहीं है, आईएनजी नहीं है भाई, और तुमने क्या पढ़ा, इज एम आर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और कहां है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भाई। तो बारीक बारीक चीजें हैं, बेसिक बेसिक चीजें हैं, जब तक ये क्लियर नहीं है तब तक कैसे तुम अंग्रेजी के पहाड़ तैयार करोगे। इज के साथ बन जाता है सेंटेंस प्रेजेंट, लेकिन कहीं कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म नहीं है, और इसके साथ चार ही बातें आती हैं, आई एन जिसमें है नहीं, तो इसको जो टेंस कंसीडर किया जाएगा वो किया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसे सिंपल प्रेजेंट बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन सिंपल प्रेजेंट बोल के इससे अपना मतलब भागी मत सेंटेंस से, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये आपका इंडेफिनिट है। और सेंटेंस देखिए, रेखा हैज, अब हैज बोल दिया, आगे देखो मैंने क्या लिखा, रेखा हैज फिनिश्ड हर वर्क। बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, मीनिंग लगाने से ज्यादा जरूरी है सेंटेंस को समझना। रेखा क्या हुआ सेंटेंस में, बड़े ध्यान से देखो, रेखा क्या हुआ, सब्जेक्ट, साथ में कौन लिखा है, हैज, हैज से क्या बना प्रेजेंट। अब इस हैज से थोड़ी सी आगे निगाह डालिए, क्या लिखा है, फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म लिखी है ना, और जब सेंटेंस में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तब जाके वो सेंटेंस क्या बनता है, परफेक्ट। यानी ये दोनों बातें होंगी तब तुम सेंटेंस को परफेक्ट बना पाओगे, हैज से प्रेजेंट बना, फिनिश्ड से थर्ड फॉर्म से परफेक्ट बना, ये सेंटेंस क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल, क्लियर है भाई यहां तक। आगे देखिए, एक और सेंटेंस में लिख देता हूं यहां पर, इसको मिटा रहे हैं फिलहाल, एक सेंटेंस इसी से मिलता जुलता बना देता हूं, रेखा ही को ले लीजिए, रेखा को बात करते हैं, रेखा हैज
न्यू का पहले मैं बड़े बेसिक बेसिक सेंटेंस उठा के चलूंगा आपके सामने। और कुछ बच्चे कहते हैं सर सेंटेंस बहुत टफ रखो। देखो सेंटेंस टफ रख लीजिए, इजी रख लीजिए। जिस बच्चे के फंडामेंटल क्लियर हैं, जिस बच्चे के बेसिक क्लियर हैं, उसको कितना भी टफ सेंटेंस दे देना, एक आधे की तो मैं कहता नहीं हूँ पर वो कर देगा। और जिसके फंडामेंटल या बेसिक क्लियर नहीं है, जिसका आधार मजबूत नहीं है, वो बिल्डिंग गिरेगी गिरेगी। बहुत बच्चे सोचते हैं ये तो हमें बहुत आसान चीजें तो हमें आती हैं, ऐसा नहीं होता। जितनी ऊंची इमारत बनानी होगी, जमीन का गहराई उतनी ही जमीन में उतरनी पड़ेगी। आपको बिल्डिंग्स ऊंची ले जानी है तो नेचुरल सी बात है जमीन में नीचे उतरने, नींव खोदिए, जितनी गहरी नींव खोदेगी उतना ही आपकी बिल्डिंग ऊपर जाएगी। तो ऊपर जाने के लिए, अपने आप को उन्नत बनाने के लिए, अपनी नॉलेज गेन करने के लिए जरूरी है बेस पे काम किया जाए, आधार पे काम किया जाए। पहले बेस पे काम करो, उसके बाद छत तैयार होती है। वही पॉइंट यहाँ पे है। इसका सब्जेक्ट मैं उसी चीज पे ध्यान दे रहा हूँ आपको। इसका सब्जेक्ट है रेखा। रेखा सेंटेंस में क्या बना? सब्जेक्ट। साथ में एक वर्ब लिखिए, कौन लिखिए? हैज। हैज से क्या बना? प्रेजेंट। अब देखो इसमें भी हैज है, इसमें भी हैज है, लेकिन इस हैज के बाद क्या है? थर्ड फॉर्म। और इस हैज के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है। तो जब हैज के बाद थर्ड फॉर्म है तो कॉम्बिनेशन क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जब हैज के साथ थर्ड फॉर्म ही नहीं है तो तुम इसे परफेक्ट कैसे कह दोगे भाई? तो ये परफेक्ट नहीं है, ये क्या कंसीडर किया जाएगा? इनडेफिनिट। ये मैं बार बार दिखा रहा हूं आपको। क्लियर पॉइंट। अब यहां तक कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे आगे जो भी चीज हम लेके चलेंगे वो जाएंगे इनडेफिनिट टेंस के रूल्स रेगुलेशंस, कब इनडेफिनिट सही होता है, कब इनडेफिनिट गलत होता है, वो सारी चीजें फिर डिस्कस करेंगे। एक फंडामेंटल चीजों पर काम करते हैं पहले। तो जब भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करूंगा, उस टॉपिक के शुरू के 2 से 3 दिन बहुत बेसिक से रहेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स कमजोर हैं या जो भी हैं, या उन्हें अंग्रेजी में समझने में दिक्कत है, या कहीं पढ़े हैं वहां समझ में नहीं आया, तो उसका क्या है? आधार क्लियर होना चाहिए। तो शुरू में हम क्या करते हैं? शुरू में फंडामेंटल चीजों पर काम करेंगे 2 से 3 क्लास। वो क्लियर हो जाता है तो फिर आगे हम आराम से समझना शुरू कर देते हैं। अब इसी में डाउट रहेगा तो फिर तो कंफ्यूजन बनेगा ना आपको। तो आशा मैं यही करता हूँ कि आपके डाउट क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है आपके, तो ये नंबर है मेरा, आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लो। आप अपना टॉपिक बता दो, गुरुजी इस टॉपिक में दिक्कत है या गुरुजी इस क्वेश्चन में दिक्कत है, मैं उसे समझा दूंगा जो भी है। या कोई बैच की इंक्वायरी लेनी है प्रॉपर आपको, तो फिर भी आप इस पे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर टॉपिक वॉपिक या फिर नया बैच वैच कब से आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर अप कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी मैं उसी तरह से पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिक को समझने की कोशिश करो, इम्प्रूवमेंट अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा। अब क्या खेल है इसको समझिए। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम इसी चीज को हम टेंस भी चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे टेंस चेंज कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा वे। आप इस फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर दीजिए। आपने फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या लिख दी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये पास्ट बन गया। डूडल्स की जगह तुमने क्या लिया? ये डूडल्स मैंने कल क्लियर किया था आपको। डूडल्स की जगह क्या लिख दीजिए? डिड लिख दीजिए, पास्ट बन जाएगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा। ऐसे ही यहां पे इज़ेमार है ना, तो तुम इस इज़ेमार को चेंज कर दो। आप चेंज करके देख लो। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं वाज वर, तो क्या बन गया? पास्ट। और वाज वर के साथ वही कॉम्बिनेशन काम करेगा। अगर वाज वर के साथ आईएनजी है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वाज वर के साथ आईएनजी नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट। ऐसा ही सेम यहां पे हो जाएगा आपका। देखो ध्यान से, यहां पर हैज हैव लिखा है, आप इस हैज हैव को हटा के इसको थोड़ा चेंज कर दो। अगर मान लीजिए यहां पर सेंटेंस में हैज हैव की जगह मैं हैड लिख दूं, तो अब हैड से क्या बन गया? पास्ट। और जब ये पास्ट बना तो हैड के साथ, ध्यान से देखो, हैड के साथ थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? पास्ट परफेक्ट। और हैड के साथ नाउन क्या बन जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो फिलहाल इसी बेस को समझो, आज की क्लास है, इसको थोड़ा सा रिवाइज करो, इसको ढंग से समझो ध्यान से एक बार। कल जो क्लास आएगी उसमें इससे आगे के पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो कल पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पर, उस शीट को देखना। उस शीट में मैं टेंसेस पूछूंगा आपसे कि इसका टेंस क्या है, आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद फिर मैं टेंसेस के रूल्स में पहुंच जाऊंगा। क्लियर बच्चों? तो अब आपको कोई भी किसी तरह का डाउट है तो एक बार मुझे व्हाट्सअप पे, कॉल पे, मैसेज पे, या फिर यूट्यूब के इस मैसेज पे, कहीं भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। मैं सोशल मीडिया पर हर जगह अवेलेबल हूँ आपके लिए। तो फिलहाल आप कुछ भी इसमें से देखना हो, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलिए, नमस्कार, थैंक यू सभी को।